बहुत शुभ जगह है। जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियां आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है, और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवरात्र ज्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। और इसीलिए मैंने शुरू की थी बात, 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का, और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है, 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। और आप तो वहां पर हैं जहां माँ गंगा को आखिरी में देखते हैं। माँ गंगा कहां से चली, और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम माँ गंगा को साफ करेंगे। बताओ कितने शहर आते हैं, कितने कारखाने उद्योग लगे हुए हैं इसके किनारे, आज माँ गंगा की स्थिति क्या है, जिसमें हजारों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपए खर्च हो चुका है। नमामि गंगे गंगा के नाम पर न जाने कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाओगे कि जितना बजट दिया वो गंगा की तरह बह गया उसमें। उत्तर प्रदेश के बाहर और किन राज्यों पर समाजवादी का फोकस होगा 24 में, और एक